राधे राधे, जय माता दी। और अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ किचन में। दिन है आज गुरुवार, बृहस्पतिवार। सबसे पहले बनाऊंगी मैं गाय के लिए आटे की और हल्दी की लोई, क्योंकि गुरुवार को गाय को हल्दी मिलाकर आटे की लोई खिलानी होती है गुड़ लगाकर। तो पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर किचन में लोई बना रही हूँ। और गुरुवार का दिन है तो गुरुवार को तो वैसे भी लोई खिलाना बहुत अच्छा होता है गाय को। और उसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। सबसे पहले कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। मंदिर वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है, सारा कुछ जो भी विधि विधान है सारा कुछ हो चुका है। उसके बाद में शुरू कर दी है मैंने अपनी पूजा कान्हा जी को स्नान करा के। और आज बृहस्पतिवार है तो कान्हा जी को भी येलो ड्रेस पहना रही हूँ जिसमें लिखा हुआ है राधे राधे राधे। बड़ी प्यारी ड्रेस लगती है ये, मैं इटावा से लेके आई थी। पिछली बार गर्मियों में गई हुई थी ना इटावा एग्जीबिशन, तो वहाँ से लेके आई हुई थी। बहुत प्यारी ड्रेस लगती है। इस टाइप की मैं दो ड्रेस लेके आई थी, इसी में एक लाइट ग्रीन कलर की है, बहुत प्यारी लगती है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना कान्हा जी, ऊपर से राधे राधे की ड्रेस पहने हैं ना, तो और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये रही गाय की लोई, और इसमें अब मैं लगा दूँगी गुड़ और चना। और इसके बाद में जो भी मैं पूजा करती हूँ बृहस्पतिवार की वो शुरू करूँगी। पूजा करके आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले बनाया है ब्रेकफास्ट में पोहा, और आज है बृहस्पतिवार तो फिर प्याज वगैरह यूज़ नहीं करना है। बहुत रेयर होता है जब बच्चा नहीं मानता है किसी चीज़ की, जिद कर बैठता है और उसमें प्याज पड़ना हो तो ही बनाती हूँ, वरना मेरी कोशिश रहती है कि बृहस्पतिवार और मंगलवार को प्याज और लहसुन ना बनाऊँ। पोहा बना लिया है, और यहाँ पर ये देखिए दयालू की मैंने तैयारी भी लगा के रखी हुई है, क्योंकि दयालू की सब्ज़ी सबको पसंद भी है, टेस्टी भी होती है, साथ ही साथ ये बिना लहसुन प्याज के बनती है ना। तो बृहस्पतिवार और मंगलवार को कड़ी हो गई या फिर दयालू की सब्ज़ी हो गए, टमाटर आलू की सब्ज़ी हो गए, तो जो मतलब बिना प्याज लहसुन के बहुत टेस्टी बनता है ना, तो वो बनाती हूँ। मुझे तो हर तरह का खाना पसंद है, पर मेरे घर में ना इन लोगों के बड़े नखरे रहते हैं। और नाश्ता बनाने के बाद में, खाने के बाद में कपड़े मैंने वॉश किए हुए थे, कपड़े फैलाने के लिए आ गई हूँ बालकनी में लॉन्ड्री एरिया में। और आज देखिए ये वाली जो साड़ी है ना, इसने इतना ज़्यादा कलर छोड़ा है और पूरी साड़ी बर्बाद हो गई। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी और बर्बाद हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा इसने कलर छोड़ा हुआ है। अब इधर गर्मी भी हल्की हल्की सी पड़ने लगी है, अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक गर्मी पड़ने लगी है। अभी मतलब फ़ैन की ज़रूरत पड़ने लगी है, अब कि फ़ैन चला लो, ज़रा सा काम करो ना तो पसीने आने लगते हैं कि फ़ैन चला लो। तो पेड़ पौधे भी सूखने लगे हैं। अब पता है अभी तक तो इनमें दो दिन में एक दिन पानी पड़ जाता था या तीन दिन में भी पड़ जाता था, लेकिन अब इसमें डेली सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी डालना रहता है। मैं एक साथ पानी नहीं भरती हूँ गमलों में, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सुबह डाल देती हूँ, थोड़ा शाम में डाल देती हूँ। और कितने प्यारे लग रहे हैं। दीदी से मैंने कहा था खाद दे दीजिए, तो उनके यहाँ ना जो गोबर वाली खाद बनती है ना फर्टिलाइज़र, वो ख़त्म हो गई है। देखती हूँ अब मार्केट जाके लेके आना पड़ेगा मुझे। और इतने अच्छे लग रहे हैं पेड़ पौधे ये, और सामने का व्यू देखिए कितनी तेज़ धूप हो रखी है, बहुत तेज़ वाली धूप हो गई है। और अभी ना सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी थी साड़ी जो हरी वाली वॉश की थी ना, इतना ज़्यादा कलर छोड़ा है, और यहाँ तक कि कपड़ों में भी कलर लग गया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा कलर छोड़ा है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम वॉश किया था ना, तब तो कलर इतना नहीं छोड़ा था, लेकिन आज तो इतना कलर छोड़ा है कि पूरी टाइल्स हरी हो गई, पूरी पकेट हरी हो गई, हाथ भी हरे हो गए। ये देखिए और कपड़ों में भी कलर लग गया है, पता नहीं। और मुझे लग रहा था कि बड़ी खुश हो रही थी मैं कि ये वाली साड़ी ने ना रंग कम छोड़ा है, पहली बार जब धुली थी। आज सेकेंड टाइम वॉश की तो इतना कलर छोड़ा है, मैं इसको धुलती जा रही थी समझिए पूरी टाइल्स हरी हरी हरी, पर मैं इतना नहीं समझ पाई थी कि इतना ज़्यादा कलर छोड़ेगी। खैर अब क्या कर सकते हैं, एक बार इसको नमक के पानी में भिगो के देखूंगी, अगर सही हो जाएगा तो ठीक है। और अभी ना कपड़े मैं सब लेके आ गई हूँ सूखे, इनको फोल्ड करके रखूँगी कपड़ों को, और खाना बनाना है अभी,
टाइम देखिए, करेक्ट 12 हो रहा है। आकर्षित एग्जाम देके आ गए थे, पापा के साथ गए हुए हैं सब्जी लेने, और मैंने आलू मंगवाए हुए थे ज़्यादा से पापड़ बनाने के लिए, तो वो भी लेने गए हुए हैं। तो अभी चलते हैं किचन में, खाने का काम निपटा लूँ और उसके बाद देखती हूँ। आज तो पापड़ बन नहीं पाएंगे, कल पापड़ बनाऊंगी मैं तो। और इधर मैंने काफ़ी सारे कपड़े नीचे निकाल के फैला के रखे थे, ये देखिए ये वाली कवर्ड भी आज मुझे लगानी है। काम इन दिनों डेली इतना काम हो रहा है, और काम से एक दिन की छुट्टी नहीं हो रही है, पूरी तरह से थक गई हूँ पर काम की छुट्टी नहीं हो रही है। और मैं आपको दिखाऊँ, मैंने जो कल अपना फ्रिज क्लीन किया हुआ था ना, इतना बढ़िया साफ हुआ है, ये देखिए पूरा फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गया है। और फिर मैं कभी आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी, अभी ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। चलिए आटा गूंथ लेती हूँ, किचन की भी थोड़ी हालत गड़बड़ शड़बड़ है क्योंकि खाना बनाना है ना, तो जब खाना बनाना होता है तो ऐसे ही हालत होती है। और देखिए कहीं कुछ ये हाल है। चलिए आटा गूंथ के लगा दूँ फटाफट से, क्योंकि हाउस हेल्पर भी आ गई है नीचे काम कर रही है। तो हाउस हेल्पर आ गई है नीचे काम कर रही है दीदी के यहाँ, तो झटपट से मैं भी काम कर लूँ। तो ये रहता है ना कि जब तक वो काम करती ना, तो सारा किचन भी समेट जाता है और उसके बाद में साफ़ सुथरा बना रहता है। तो दही आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी मैंने लगाई रखी थी, आलू मैंने छील के फोड़ के रख दिए थे, हरी मिर्च भी कट करके रख दी थी। कढ़ाई में थोड़ा सा ही मस्टर्ड ऑयल लिया है, और सेम कढ़ाई लिए पोहे वाली देखिए, तो इसमें मैंने हींग और जीरा ऐड किया हुआ है, और उसके बाद हल्दी ऐड कर दिया है। अब ऐड कर दूँगी यहाँ पर आलू, जिस तरह से मैं दही आलू बनाती हूँ ना, इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि दही आलू की सब्ज़ी फटती बहुत है। पर यकीन मानिए, जैसे मैं बनाती हूँ ना, इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, क्योंकि मेरी दही आलू की सब्ज़ी ना कभी भी नहीं फटती है, बहुत अच्छी बनती है। अभी आप देखिएगा, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ लेकिन बहुत अच्छी बनती है। बस मैं एक टिप यूज़ करती हूँ, जब दही आलू बनाती हूँ ना, तो आलू जब अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ तो इसमें एक गिलास पानी डाल देते हैं, एक गिलास या जितनी क्वांटिटी से आप बना रहे हो उस अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर दीजिए। क्योंकि जो दही का टेम्परेचर रहता है ना, कभी कभी होता है कि फ्रिज से निकाल कर फेंट के रख देते हैं तो वो थोड़ा सा ठंडा रह जाता है, तो पानी डालने से क्या होता है, जो हीटिंग होती है ना सब्जी में, जो गर्माहट होती है आलू में, तो वो बैलेंस कर लेता है पानी डाल के। जैसे ही पानी डालते हैं ना, तुरंत चला के और पानी को उबलने भी नहीं देना है, तुरंत इसमें जो दही हमने फेंट के रखा है ना उसको ऐड कर देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। आप देखिए कितना बढ़िया उबाल आ गया है, और जब बहुत अच्छे से उबाल आ जाएगा तो 2 मिनट बाद इसमें फिर ऐड कर देंगे नमक। नमक पहले ऐड नहीं करना है, सबसे लास्ट में ऐड करना है। दही आलू की सब्जी जो है ना बहुत अच्छे से बन गई है, कड़वी गई है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया हरा धनिया, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं फटी है ना, बहुत ही अच्छी बनती है। इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं फटाफट से लगा लूँगी आटा और रोटी भी सेक के रख लूँगी, क्योंकि अब गरम खाने की वो नहीं रह गई है कि मतलब गरम गरम खाना खाना है। सर्दियों में तो लगता है कि बिल्कुल एक एक रोटी बिल्कुल सिकी सिकाई मिले, एकदम गरम गरम मिले, लेकिन अब नहीं लगता है। वैसे भी जैसे ही मैं आटा गूँथ रही थी ना, तो तुरंत ये लोग आ गए थे सब्जियाँ लेके, मंडी गए हुए थे ना सब्जी लेने, तो तुरंत ये लोग आ गए थे, तो बोले कि चलो रोटियां सेक रही हो तो फटाफट से खाना लगा दो। तो मेरा तो उतना ही बनना होता है जितना खाना होता है, जब ये लोग खाते हैं तभी खाना मेरा बनता है, और ज़्यादातर मेरी टाइमिंग जो है ना वो यही रहती है। रोटी बनाने के लिए आटे को जितना अच्छा गूंथेंगे ना आप, गूंथ गूंथ के जितना अच्छा सॉफ्ट हो जाता है ना आटा, उसकी रोटियां भी उतनी ही अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा अच्छे से मैंने गूंथ लिया है, बहुत अच्छे से इसको मैंने गूंथा हुआ है मूठे मार मार के, और उसके बाद में तुरंत ही आटे को मैंने रेस्ट भी नहीं होने दिया, फटाफट से बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है मेरे पास में। ये लोग भी आ गए हैं, साथ ही साथ हाउस हेल्पर भी आ गई है, तो मुझे बर्तन भी खाली करने हैं।
चलिए बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, इन लोगों को खाना खिला दूँ। यहाँ पर सबसे पहली रोटी बनाऊंगी मैं गाय के लिए, और जो मैंने सब्जी बनाई सबसे पहले गाय का ही भोग निकलता है, उसके बाद में घर के लिए खाना निकाल लगाती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए गाय की भी रोटी बन गई है, और इसमें एक लोई लगा दूंगी, और जब अभी इन लोग की प्लेट लगाऊंगी ना तो सब्जी भी सबसे पहले गाय की लोई में रख दूंगी रोटी में, और गाय को खिला दूंगी। तो कुछ इस तरह का शेड्यूल जो रहता है, ये जो रीति रिवाज होते हैं ना, तो मुझे लगता है ज़्यादातर हर घरों में सभी लोग करते हैं। कुछ जगह दिक्कत होती है कि गाय वगैरह नहीं मिलती है तो खिलाने पिलाने की दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा करने से ना बहुत ज़्यादा बरकत भी होती है और हमारे जो कष्ट वगैरह है ना तो वो कट जाते हैं। तो ये मेरी तो ये हमेशा की आदत पड़ी हुई है, और भगवान की कृपा से जहाँ मैं रहती हूँ और जहाँ रहती थी तो हमेशा गाय वगैरह आती हैं, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई इन सब चीज़ों के लिए। सभी के लिए रोटियाँ भी सेक लूँगी मैं, और सीज़न का पहला तरबूज आ गया है मेरे घर में, आकर्षित का फेवरेट। सीज़न का पहला तरबूज आ चुका है मेरे घर में, जिसे ये तरबूजा खा रहा है। तरबूज कैसा है? मीठा तो है, खैर अच्छा है। और अंगूर भी आए हैं जो कि बहुत मीठे हैं। तो खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है और मैं भी फ्री हो चुकी हूँ, और आकर्षित खा रहे हैं तरबूज, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस यहीं तक का था आज का मेरा ब्लॉग, अपने ब्लॉग को भी यहीं से मैं एंड करूंगी। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। बाय।